मानस खंड की जय हो, केदार खंड की जय हो, देवताओं की भूमि मेरा उत्तराखंड की जय हो। मानस खंड की जय हो, केदार खंड की जय हो, देवताओं की भूमि मेरा उत्तराखंड की जय हो। कत भलो प्यारो मेरे मुलुक न्यारो, कत भलो प्यारो मेरे मुलुक न्यारो, धरती मा स्वर्ग लागे छा उत्तराखंड हमारो, धरती मा स्वर्ग लागे छा उत्तराखंड हमारो। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल देवभूमि दर्शन विद कुरंगदीप में। तो फ्रेंड्स, मैं कुरंगदीप, जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे जो ट्रिप बनते हैं अचानक बनते हैं। तो कल रात एक सपना आया सुबह मॉर्निंग में 4 बजे, जब मैं नींद खुली मेरी, तो अचानक से मूड बना कि चलो आज रानीखेत चला जाए। तो रानीखेत जाने का जो मेरा मूड बना, तो देखो आई एम ऑन दी वे। सुबह सुबह उठा और घर पे बोला कि भैया मुझे जाना है रानीखेत, और निकल लिया। एक्चुअली मैं आज गरुड़ वाले वे से नहीं जा रहा हूँ, गरुड़ वाले वे से थोड़ा वहाँ से जो डिस्टेंस है वो थोड़ा ज़्यादा भी है, और रोड भी थोड़ा सा वो है। मैं आज निकला हूँ गिरे छीना वाली रूट से, यहाँ से शॉर्ट पड़ता है, सीधे सोमेश्वर मिलूँगा मैं। तो चलते हैं, सफ़र अपना कंटिन्यू करते हैं, और कोशिश करूँगा कि रानीखेत में जो भी कुछ अच्छा मुझे दिखे आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो जस्ट ये मैंने गिरे छीना क्रॉस किया है, अभी ये देखो सामने क्या व्यू आ रहा नीचे। मैं अभी ऊपर रोड पर हूँ, देखो पहाड़ों में कैसे घुमावदार रोड होते हैं, काफ़ी प्यारा लग रहा है। मौसम भी काफ़ी सुहाना है, देखो थोड़ा रोड ऑफ रोड है यहाँ पे, मतलब काफ़ी मतलब टायर रपट रहे हैं। घर भी यहाँ पे देखो चारों ओर कितने प्यारे हैं, पुराने मॉडल के हैं, और कुछ दूरी पे हैं, दूर दूर पास पास कुछ भी नहीं है, चारों ओर हरियाली छाई हुई है, काफ़ी मज़ा आ रहा है राइड में। थकान भी काफ़ी हो चुकी है, ये अभी सोमेश्वर पहुँचने वाला हूँ मैं। यहाँ पे अभी गाड़ी रोकी हुई है मैंने, देखो जगह जगह आजकल पहाड़ों में मैच चल रहे हैं। सोमेश्वर से जस्ट थोड़ी पीछे ही है ये लोकेशन, सोमेश्वर पहुँच गया हूँ मैं, मार्केट थोड़ा आगे है, तो यहाँ पे मैच वगैरह हो रहा था, तो मैंने सोचा बैठ भी जाऊँ और मैच भी देख लूँ। ये है सोमेश्वर की मार्केट, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, छोटी सी मार्केट, लेकिन ठीक है, देख सकते हो मतलब हर कुछ अवेलेबल है यहाँ पे, ATMs, बैंक वगैरह सब कुछ। SBI के सामने ही खड़ा हूँ मैं जस्ट चौराहे पे, अब यहाँ से आगे निकलता हूँ। सोमेश्वर मैंने क्रॉस कर लिया है, आगे छोटो हाथ हिला रहा है। आगे देखिए रानीखेत की कुछ लोकेशन जहाँ मैंने विजिट किया। फर्स्ट नंबर पे है नर्सिंग ग्राउंड, यहाँ पे नर्सिंग स्टेडियम है, नर्सिंग ग्राउंड। देखो इवनिंग पे काफ़ी लोग यहाँ पे दौड़ वगैरह कर रहे हैं, नेक्स्ट मंथ अभी फरवरी में भर्ती है यहाँ, तो ये आर्मी वालों के अंडर है एरिया, और यहाँ पे मतलब कोई इवेंट वगैरह ये सब कुछ होते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है झूला देवी, रानीखेत की जो मेन मार्केट है, मॉल रोड, मॉल रोड से थोड़ा सा समथिंग 4 किलोमीटर के आसपास हो गए, 3-4 किलोमीटर आगे है, ठंडी सड़क है काफ़ी, जंगलों के बीचों बीच झूला देवी का ये मंदिर, काफ़ी भव्य नज़ारा है, अंदर घंटियां ही घंटियां देखने को मिल रही हैं। देखिए अंदर का नज़ारा है, ये चारों, ज़्यादा बड़ा है नहीं मंदिर, छोटा सा मंदिर है, लोकेशन ज़्यादा बड़ी है नहीं यहाँ पे, लेकिन ठीक है, सही लग रहा है काफ़ी घंटियों के पीछों बीच। ये सामने देखो मंदिर के अंदर वाला हिस्सा, बंदर हर कहीं देखने को मिल जाते हैं, भैया प्रसादी छीन रहे हैं बंदर। सामने दिल्ली से भी एक ग्रुप आया हुआ है यहाँ पे, तो फोटो शूट वगैरह कर रहे हैं वो लोग। ये अंदर मंदिर है माता रानी का, अब हम बाहर आ गए, तो बाहर भी ये देखो घंटियाँ काफ़ी लटकी हुई हैं बाहर भी, एरिया अच्छा है, सामने विश्राम गृह है जंगलों के बीच बीच, आगे आर्मी वाले खड़े हैं, आर्मी वाला एरिया है, हो सकता है कैमरा रेस्ट्रिक्टेड भी हो, मे बी कोई मुझे डांट दें, बट कोई नहीं, अपने व्यूअर्स को मैं जो दिखा सकूँ दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट है चौबटिया का जो गार्डन है, चौबटिया ऊपर जंगलों में, झूला देवी से थोड़ा आगे जंगलों के बीचों बीच, देखो नीचे
वहाँ एप्पल के गार्डन वगैरह हैं, जंगलों के बीचों बीच अभी मैं नीचे जा रहा हूँ, देखो दिखाता हूँ आपको। रानीखेत वैसे मैं काफ़ी बार आया हुआ हूँ, लेकिन ऐसे प्रॉपर जगहों पर विजिट किया नहीं है मैंने। हल्द्वानी से जब आते तो रानीखेत के रास्ते हम बागेश्वर को कभी कभी जाते हैं, ऐसे घूमा नहीं हूँ। तो आज मौका मिला है तो सोचा कुछ लोकेशंस आपको भी दिखा दूँ। कितनी शांति है यहाँ जंगलों के बीच बीच, वाह। डर भी लग रहा था अभी कहीं से कोई बाघ वगैरह आ गया तो। देखिए नीचे कितना प्यारा है लोकेशन यहाँ से। यहाँ देखने को अभी जो देखो पेड़ दिख रहे हैं, खाली सेब के पेड़ लगे हुए हैं, अभी फल वगैरह है नहीं, अभी टाइम लगेगा इनको। महीना वैसे जो इनका होता है जो मौसम मई जून के आसपास जो होता है, लेकिन अभी टाइम लगेगा इनको। काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, आई थिंक वो भी यही देख के आए होंगे मेरे इंटरनेट में कि यहाँ एप्पल के ऑर्चिड वगैरह होंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पेड़ ही पेड़ हैं भाई, धोखा हो गया। बट कोई नहीं, ठीक है, यहाँ पे लोकेशन अच्छी लग रही है, थोड़ा घूमना भी हो गया, फोटोशूट चल रहा है भाई सबका। नेक्स्ट है हैदर खान बाबा का टेंपल रानीखेत से। ये भी समथिंग 5-6 किलोमीटर के आसपास में ही है, काफ़ी शांत जगह पे, चारों ओर हिमालय दिख रहे हैं यहाँ से। चलो अंदर एंट्रेंस पार्किंग है, आइला मैंने भी बाइक बाहर ही पार कर दी, ये मैं अंदर एंटर कर रहा हूँ अब। वाह, सामने ही भोले बाबा, जय भोले बाबा। हैदर खान जी का जो ये मंदिर है बाबा का, इन्हें श्री श्री 1008 हैदर खान बाबा जी के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी शांत जगह पे है ये मंदिर, लोकेशन भी काफ़ी अच्छी लग रही है। इन्हें शिव जी का अवतार भी माना जाता है। आज तो मौसम थोड़ा धुंधला है, धुंध टाइप की दिख रही है चारों ओर, नहीं तो यहाँ से चारों ओर के जो पहाड़ हैं, त्रिशूल पर्वत हो गया, हिमालय के जो व्यूज़ हैं यहाँ से बर्फीली चोटियों के, काफ़ी प्यारा नज़ारा यहाँ से दिखता है। देखिए खाली खाली है पूरा, काफ़ी बड़ी एरिया में यहाँ पे फैला हुआ है मंदिर। जय बजरंग बली है, शिव भक्तों के लिए काफ़ी अच्छी लोकेशन है। ये यहाँ पे एक बोर्ड बना हुआ है, आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। ये यहाँ से जो जो भी नंदा देवी पर्वत, त्रिशूल पर्वत वगैरह जो जो भी दिखता है, उसके कितनी यहाँ से डिस्टेंस कितनी है समुद्र तल से, वो पूरा दिया गया है इसमें। काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ये देखिए सामने का, आज तो ये मौसम थोड़ा साफ नहीं है, धुंध टाइप की है, नहीं तो सामने आपको बर्फीली पहाड़ पूरा दिखता है यहाँ से। ये अंदर का मैं नज़ारा आपको दिखाता हूँ, जूम कर लेता हूँ। ये देखिए सामने ओम नमः शिवाय लिखा हुआ दिख रहा है, श्री श्री 1008 हैदर खान बाबा का ये दरबार, आप लोग भी आ सकते हैं, काफ़ी अच्छी लोकेशन है ये। हम अब रानीखेत की जो मॉल रोड है वहाँ आ गए, केमू की बसें लगी हुई हैं, सामने केमू स्टेशन है, यहाँ से हल्द्वानी, नैनीताल, बागेश्वर जहाँ के लिए भी हैं, सब जगह के लिए बसें हैं। और एक रिक्वेस्ट है, देखो ये मुझे देखने को मिला, तो प्लीज़ आप उत्तराखंड आते हैं ऐसे अपनी धरोहर है पहाड़ों को ऐसे गंदा ना करें, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। तो फ्रेंड्स रानीखेत में मुझे ज़्यादा समय तो नहीं मिला यहाँ पे, लेकिन कम ही समय में मैं जितना आपको दिखा सका मैंने दिखाया 4-5 लोकेशन। और भी अच्छी अच्छी लोकेशन है यहाँ पे, झील वगैरह है, 2-4 मंदिर और हैं। तो आप लोग वीडियो का आनंद लें और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।